आज हम चैप्टर 6 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या गिवेन है कि एक वाटर लॉक्ड एरिया है। वाटर लॉक्ड एरिया का मतलब होता है जहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा हो और उसको हमको क्या करना हो, क्रॉस करना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या राइट है, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉक्ड एरिया, मतलब जहाँ पे क्या हो, वाटर फिल हो और उसको हमको क्रॉस करना हो। यू यूजली शॉर्टन द लेंथ टू योर ड्रेस, तो अपने ड्रेस को हम क्या शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट का मतलब है छोटा कर लेंगे, मतलब फोल्ड। बाई फोल्डिंग इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो वो चेंज क्या रिवर्स्ड होगा, तो आइए इसको समझते हैं। ये समझिए वाटर लॉक्ड एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये तो ये पर्सन क्या करेगा, इस वाटर लॉक्ड एरिया को क्रॉस करना है उसको, तो ये अपने ड्रेस को, मतलब यहाँ पे जो पैंट है उसका, उसका क्या करेगा, उसको फोल्ड कर लेगा। फोल्ड करके ये क्या होगा, इसको क्रॉस कर लेगा, फोल्ड करके क्रॉस कर लेगा, और फिर जब यहाँ पे आएगा वो पर्सन तो क्या करेगा, फिर उसको अनफोल्ड कर देगा। तो मतलब ये चेंज जो है ये क्या होगा, कैन बी रिवर्स्ड, ठीक है, मतलब पहले ये क्या करेगा, फोल्ड कर लेगा अपने ड्रेस को, मतलब पैंट को, फोल्ड करने के बाद ये इसको क्रॉस कर लेगा वाटर लैग एरिया को, और इसके बाद जब यहां पे वो पहुंचेगा तो वो क्या कर लेगा, उसको अनफोल्ड कर देगा। तो मतलब ये चेंज क्या होगा, यस दिस चेंज कैन बी रिवर्स, तो इसका आंसर क्या होगा, यस दिस चेंज कैन बी रिवर्स, मतलब पहले उसको क्या करेगा, फोल्ड करेगा, फिर उसको क्या कर लेगा, वाटर लैग्ड एरिया को क्रॉस करने के बाद अनफोल्ड कर देगा। तो इसका मतलब है यस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय, अचानक आपका जो फेवरेट टॉय है, मतलब खिलौना, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वॉन्ट, लेकिन आप इस चेंज को नहीं चाहते, मतलब आप उसको तोड़ना नहीं चाहते थे, बट वो टूट जाता है। तो कैन दिस चेंज बी रिवर्स, तो क्या वो रिवर्स्ड हो जाएगा, मतलब टूटा हुआ जो टॉय है क्या वो फिर से बन जाएगा, तो नो दिस कैन नॉट बी चेंज, मतलब तो ये चेंज क्या होगा, कैन नॉट बी रिवर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, मतलब जो चेंज है वो रिवर्स्ड नहीं होगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन में, यस दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, और सेकंड क्वेश्चन में नो दिस चेंज कैन बी नॉट रिवर्स्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवेन है, कुछ चेंजेस गिवेन है जिसको हमको ये बताना है कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, मतलब वो रिवर्स होगा चेंज की नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या गिवेन है, द सर्विंग ऑफ पीस ऑफ फूड, तो क्या ये रिवर्स्ड होगा, तो नो, इसका आंसर क्या है, नो। सेकंड है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी का मतलब है जो आइस है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, मतलब वाटर बन जाए, फिर हम वाटर को फ्रिज में रख देंगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इसका मतलब है द मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी क्या होगा, कैन बी रिवर्स, तो ये होगा एस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये वाटर में शुगर को डिजोल्व करें, मतलब घोल दें, तो क्या ये चेंज रिवर्स्ड होगा, यस, यदि हम वाटर को, वाटर में शुगर को घोल दें और उसको यदि हीट करें तो क्या हो जाएगा, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें क्या बचेगा, शुगर बचेगा। तो इसका मतलब है ये डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, ये चेंज क्या है, रिवर्स्ड है, तो मतलब यस। द कुकिंग ऑफ फूड, यदि हम फूड को पका दिए, मतलब फूड जो है हमारा पक गया, कुक हो गया, तो क्या वो फिर से कच्चे में, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होगा, तो नो, ये चेंज क्या होगा, नो, कैन नॉट बी रिवर्स। द रिफाइनिंग ऑफ मैंगो, आपको मालूम है कच्चा मैंगो जो होता है वो खट्टा होता है, बट जो रिफाइनिंग पका हुआ मैंगो है वो कैसा होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है, तो ये चेंज क्या, पके मतलब मीठे मैंगो से वो कच्चे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नो, इसका आंसर क्या होगा, नो। सॉरिंग ऑफ मिल्क, सॉरिंग ऑफ मिल्क भी जो चेंज होगा वो क्या होगा, नो। क्वेश्चन फोर में क्या गिवन है, ड्राइंग सीट, कोई ड्राइंग सीट है, चेंज व्हेन
यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, उस ड्राइंग शीट पे हमने एक पिक्चर बनाई है, तो क्या वो चेंज हो सकता है? कैन यू रिवर्स दिस चेंज, क्या उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? तो यदि हम ड्राइंग शीट पे पेंसिल से पिक्चर को बनाएंगे और उसमें कलर को फिल नहीं करेंगे, तो हम उसको इरेजर से क्या करेंगे, इरेज करेंगे, तो इसका मतलब है कैन बी रिवर्स्ड हो जाएगा। बट यदि हम पेन से पिक्चर बनाएंगे या उस पेंसिल से ही बनाएंगे और उसमें कलर फिल कर देंगे, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर राइट करेंगे, इफ द पिक्चर इज ड्राइंग विथ अ पेंसिल देन इट कैन बी इरेज्ड, देन इट कैन बी इरेज्ड बाय इरेजर। हम इरेजर से क्या करेंगे, उसको इरेज्ड कर सकते हैं। बट इफ द पिक्चर drawn with color, यदि हम पिक्चर में कलर फिल कर देंगे, but if the picture drawn with color then cannot be reversed, cannot be reversed, तो वो पिक्चर क्या होगी, reversed नहीं होगी, इरेज्ड होगी। तो आंसर क्या हुआ कि यदि हम ड्राइंग शीट पे पेंसिल से पिक्चर बनाएंगे तो उसको हम इरेजर से क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंड यदि हम पिक्चर में क्या कर देंगे, कलर फिल कर देंगे, तो वो पिक्चर इरेज्ड नहीं होगी और वो चेंज क्या होगा, रिवर्स नहीं होगा। क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। गिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमको ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें दोनों चेंजेस होते हैं, मतलब एक रिवर्सिबल हो और एक क्या हो, इरिवर्सिबल हो। तो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो है उसको हम मेल्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इन वाटर, आइस को हम मेल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाटर बन जाएगा। और वाटर को हम फ्रीज करेंगे, मतलब वाटर कन्वर्ट इनटू आइस, वाटर को यदि हम फ्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिवर्सिबल का क्या एग्जांपल हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब आइस को मेल्ट करेंगे तो वाटर, और वाटर को कन्वर्ट किस में करेंगे, आइस में, मतलब वाटर को यदि हम फ्रीज में रखते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। सेकंड एग्जांपल है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिवर्स ना हो, मतलब केमिकल चेंज। तो रिफाइनिंग ऑफ ए मैंगो, कुकिंग ऑफ फूड, रिफाइनिंग ऑफ मैंगो एंड कुकिंग ऑफ फूड क्या है, इरिवर्सिबल के एग्जांपल है। नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, अ थिक कोटिंग ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक केमिकल है जो फ्रैक्चर्ड बोन पे लगाया जाता है, जिसको हम प्लास्टर के नाम से जानते हैं। इज अप्लाइड ओवर द बॉन्डेज ऑन ए फ्रैक्चर बोन, इट बिकम्स हार्ड एंड ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इम्बोलाइज्ड, कैन देन चेंज इट्स पीओपी बी रिवर्स्ड। तो इसका मतलब है कि जब फ्रैक्चर बोन पे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है तो क्या वो रिवर्स्ड होगा, तो नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस चेंज, इसका आंसर हो जाएगा नो, द चेंज पीओ, नो द चेंज इन पीओपी, पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नो द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो जो पीओपी है वो चेंज नहीं होगा। फिर से आप इसको समझिए, अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब फ्रैक्चर बोन हो जाता है तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है, इट बिकम हार्ड एंड ड्राइंग, वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम क्या मिला देते हैं, उसमें वाटर मिला होता है जो आपस में रिएक्ट करके एक हार्ड सबस्टेंस बनाता है, इसलिए जो पीओपी का चेंज है वो रिवर्स नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, नो द चेंज इन पीओपी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। लास्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है, अ बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग है सीमेंट का लाइंग इन द ओपन गेट और वो खुला हुआ है, उसको हम गीले जगह पे रख देते हैं, मतलब उस पे बारिश होती है
तो द नाइट, द नेक्स्ट डे द सन साइंस, और दूसरे दिन क्या होता है, सन की साइंस आती है। डू यू थिंक द चेंज, तो जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, कैन नॉट बी रिवर्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक्स द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स, तो नो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट जो है जब उस पर बारिश होगी तो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, इसलिए जो ये चेंज होगा वो कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, तो ये चेंज जो होगा वो रिवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट जो है वाटर से रिएक्ट करके एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है, फिर उसको हम सीमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए नो चेंज, नो दिस चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स।